सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किसी किताब में दोस्तों मैंने एक छोटी सी कहानी थी, जो मैं आज से थोड़ा दो शब्दों वाली कहानी है, वाक्यों में ही समाप्त हो जाएगा। एक राजा ने एक महात्मा से कहा था कि मुझे कुछ एक वाक्य ऐसा दे दो जिससे कि मेरे जीवन में कभी गुरूर, कोई घमंड, कोई बहुत बड़ा ऐसा अभिमान महसूस न करूं। तो कौन सा वाक्य होगा, ऐसा कुछ आप लिख दीजिए जिससे कि मुझमें वो भावना कभी जीवन में न आए, मुझमें कभी घमंड की भावना न हो। तो महात्मा ने उन्हें एक वाक्य लिखकर दे दिया और वो वाक्य ये था कि यह दिन भी बीत जाएंगे। यही वाक्य था, यह दिन भी बीत जाएंगे। अगर तुम्हारा बहुत अच्छा समय चल रहा है तो ये दिन भी बीत जाएंगे, और तुम्हारा बुरा समय भी बहुत चल रहा है तो ये दिन भी बीत जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका ध्यान ला रहा हूँ। वही बात आज मैं IRCTC के संदर्भ में कहने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए कि नेगेटिव पॉइंट काफ़ी चला, लगभग हम देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या बात है, पूरा ट्रेन, रेलवे, उस सब पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये दिन भी बीत जाएंगे। मैं यही वाक्य यहाँ आपको भी कह रहा हूँ कि कब तक बंद रहेगा, जब तक सुरक्षा का विषय बनेगा और जब सब चीज़ सही रूप में हो जाए तो सब चीज़ फिर से अपने कार्यरत में हो जाएंगे। और जब सब चीज़ कार्यरत होगा, ट्रेन, काम, विषय, ट्रांसपोर्टेशन, तब आप देखिएगा दोस्तों कि IRCTC उस दिन आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये मेरे वाक्य है दोस्तों। जिस दिन ये बहाल सब चीज़ अच्छे रूप में हो जाएंगे तो IRCTC के शेयर प्राइस को आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्रतिदिन फिर अपर सर्किट ही लगता रहेगा और आप कतार में खड़े रहेंगे और आप ये शेयर खरीद ही नहीं पाएंगे। और खरीदने का विषय तब बनेगा जब वो बहुत महंगा हो चुका होगा। इसके लिए पहली बात, मैं पॉजिटिव ट्रेंड से शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, आपका ध्यान आकर्षित हो। आज का देखिए करंट मार्केट प्राइस, पूरे दिन भर ये अपर सर्किट में ही रहा, उसे बाहर ही नहीं निकला। ट्रेडिंग का विषय, सभी लोग कतार में थे कि भाई शेयर्स खरीदा जाए। तो आज उसका अपर सर्किट था 898.95 पैसा एज ऑन 27 मार्च 2020, और मार्केट कैप भी देखिए 14,383.20 करोस। काफ़ी इस तरह से यहाँ स्टेबिलिटी इसमें आ गई है। दोस्तों, मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगा कि IRCTC के शेयर प्राइस का मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से एनालिसिस किया है उन दिनों में, जब मतलब उसकी स्टार्टिंग टच से ही मैं उसको बारीकी से अध्ययन करता रहा हूँ। और मुझे अच्छे से याद है कि लगभग नवंबर और दिसंबर महीने में ये एक ही लेवल पर चलता रहा, 840 से लेकर, मतलब एकदम लोअर था उसका, 840-50 के बीच में ही, यानी बहुत मुश्किल से वो 850 भी कभी कभार ही एकाक दिन कैसे हो, या मुझे जहाँ तक ध्यान है कि उसने तोड़ा हो, 850 से लेकर 950 ये पूरा दो महीने तक चलता रहा, 850 to 950, कभी 870-80-90, फिर कभी 910-920। तो जिन्होंने 870-80 में लिए या 900 में खरीदा, तो वो ले लेकर रोज वही देखा जाता था कि महीना, 15 दिन, दो महीने से वही भाव चल रहा है। तो वास्तविक में क्या हुआ दोस्तों, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो जब वो 900 और 950 के बीच में था, काफ़ी समय तक चलता रहा, और जैसे ही उसने 950 तोड़ा, तो जिन लोगों ने ये खरीदा था 900 के आसपास या 870 और 90 के आसपास, उनसे रहा ही नहीं गया, और तुरंत जैसे 1100-1200 आया, तुरंत सब बेच दिए, 1100 और 1200 के रेंज में सब बेच दिए, क्योंकि 890 में जिन्होंने लिया, 900 में लिया, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट था। अब वो 1100-1200 के बाद वहाँ फ्रेश बाइंग हैवी शुरू हो गया, FIs के फंड आ गए वहाँ पर, तो 1300-1400 भी क्रॉस कर दिया। तो जिन्होंने 1100-1200 में बेचा था वो दोबारा री एंटर हो गए, और वो री एंटर हुए कहाँ पर, 1300-1400 में, और फिर 1300-1400 में जो एंटर हुए वो देखे 1600-1700, तो वहाँ वो निकल गए। लेकिन 1700-1800 में जो एंटर हुए वो थोड़ा कह सकता हूँ तकलीफदायक हो गया, तो वो वहाँ 1900। और मैंने वीडियो में निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, ये मैंने कहा था, अब मेरे पुराने वीडियो, ये तो मेरा पार्ट 10 चल रहा है,
एक जगह मैंने प्राइस का मैंने टारगेट दिया था 1900, और वो 1900 टच करके 1990 और 994-95 तक गया भी था वो। वहां पर मैंने देखे, उसके बाद उसके ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं कहा, कोई प्राइस टारगेट नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था इसका लेवल यहां तक इतनी तेजी में आ सकता है। लेकिन ये था कि लॉन्ग टर्म वाले जो मुझसे पूछते थे तो मैं उनको यही कहता था कि आप इसे होल्ड करिए। बाद में फिर आप देख ही रहे कि कैसे नेगेटिव समय आ गया, अचानक कोरोना वायरस की बात आ गई, सब एकाएक बंद होने की बात आ गई, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, जो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी सब बातें हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, अभी वर्तमान में फिर से ये अपॉर्चुनिटीज के लेवल पर आ गया, ये वो प्राइस पे आ गया जहां पर ये नवंबर में चलता था। तो नवंबर महीने में जो इसका प्राइस चल रहा था वो फिर इसी लेवल पर देखिए दोस्तों आ गया। नवंबर और दिसंबर के महीने में यही प्राइस था इसका 898, 900, 910, 930। तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि अभी क्या करना चाहिए। दो बातें हैं, उस पर विशेष ध्यान हो। पहली बात कि अगर ये जो भी प्राइस में अभी आपको मिलता हो तो 5, 10, 15 आप ले लीजिए शेयर। 900 अगर अगला अगर ये अपर सर्किट हुआ तो 940 और 50 के रेंज में दिखेगा, तो उस समय भी आप 5-10 एक ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और नेगेटिव पॉइंट आने वाले समय में हो। अगर नेगेटिव पॉइंट हुआ कोई न्यूज़ या कोई नेगेटिव न्यूज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने प्राइस लिख रखा है। ये है 750 to 850, जो अब मुश्किल है इसका इस तरफ आना। हाँ, इन वाक्यों पे आपका विशेष ध्यान हो, ये लेवल पर आना अब मुश्किल है। और मार्केट में मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, ये वाक्य भी आप सदैव याद रखिए दोस्तों। मार्केट में हर चीज़ संभव है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये असंभव है, संभव है। तो उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्राइस रेंज दिया है आपको। अगर इस रेंज में आए तो आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर इस रेंज में आप शेयर्स खरीद लीजिएगा। अगर ये रेंज में जब शेयर आए तो वर्तमान की स्थिति से यही देख रहा हूँ दोस्तों कि ये ऊपर ही जाएगा। अगला आपको 940-950 के आसपास मिलेगा, तो 5-10 लिया जा सकता है शेयर्स, और फिर आपको अपर सर्किट में कतार में रहना पड़ेगा। तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि अब इसका पीछे आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये दोहरा रहा हूँ कि नामुमकिन नहीं है। तो अगर ये रेंज में आए तो आप कॉन्फिडेंटली दोस्तों, कॉन्फिडेंटली आप शेयर्स खरीद लीजिए। ये आगे चलकर वो प्राइस टच करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। मैं भविष्यकाल की बात कर रहा हूँ, वर्तमान तो खराब चल रहा है लेकिन भविष्यकाल इसका उत्तम और अति उत्तम है दोस्तों। बस यही कहूँगा, बाकी तो मैं यही कहना चाहता था दोस्तों कि आपके जानकारी में ये बात हो और उस तरह से आप शेयर खरीदने का प्लान कर सकते हैं। और ये वो शेयर है दोस्तों कि जो आपको फर्मली होल्ड करके ही रखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि ये शेयर्स आपको फर्मली मजबूती से आपको होल्ड करना चाहिए, और बाकी जो भी चलने दीजिए, समय के साथ साथ सब बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर से मैं शब्द को दोहरा रहा हूँ। और दोस्तों इसी दौरान कुछ लोगों का एक रिक्वेस्ट था, तो मैं उस रिक्वेस्ट के अनुसार यही कहूँगा कि हमारा जो लाइफ मेंबरशिप है वो 20 अप्रैल तक की उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। उसका जो टाइम लिमिट था 31 मार्च तक था, अब वो 20 अप्रैल तक जो भी लेंगे तो उनके लिए वही फीस रहेगा जो मैंने लिखा है मैसेज के अंदर। और हाँ, जिन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना है या वो कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, उसका बकायदा वो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।